हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जहाँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का एक स्क्वायर साइज में बढ़िया सा स्टेटस, जिसको आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा स्क्वायर साइज वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए यार, सबसे पहले हम लोग एबी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास एबी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं, तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर में राइट साइड में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में है। तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जो बॉक्स जैसे दिख रहा है आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इधर से हम लोग एक विजुअलाइजर को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस विजुअलाइजर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने फाइल मैनेजर में जाके वहाँ पर इसको रीनेम करके, इसका नाम चेंज करके एक बार वहाँ पर सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है आपको, ठीक है, तभी ये यहाँ पर ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एबी प्लेयर ऐप है दोस्तों, वो न्यू वर्जन है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार इसको सेव करना, उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस विजुअलाइजर को ऐड कर लेता हूँ। विजुअलाइजर को ऐड करने के बाद ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लास्ट वाले बॉक्स पे एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एक बार बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अभी आपको ऊपर की साइड में एक पेंसिल जैसा आइकन मिल जाएगा, तो आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर आपको फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इमेज का, ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे रहेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से सेकंड नंबर इमेज पे क्लिक करेंगे और इधर कस्टम इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर नीचे में आपको पिक इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके एक इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इस इमेज का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देंगे। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके नीचे एक इमेज का ऑप्शन रहेगा, जिसपे छोटा में लिखा रहेगा मोड टेक्स्ट, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है सेकंड नंबर इमेज पे, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में इधर सेकंड नंबर पे एक ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड नंबर पे ब्लर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स यहाँ पे विजिबल दिखा रहा है, जो एनेबल है, इसको आपको डिसेबल कर देना है, इसको अनटिक कर देना। उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्लोज करके बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद उसी के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा पार्टिकल्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जनरल पे क्लिक करना है और ये जो बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आपको टिक कर देना, कुछ इस तरह से एनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट चैनल नेम का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से मेरे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रिमूव करके आप अपने चैनल का नाम या फिर अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ से डन करना है और इसको क्लोज करके यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लर इफेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद इधर आपको एक लाइन मिल जाएगा, जहाँ पे दो लिखा रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन है, इस पर लाइन पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे जो डॉट दिखाई दे रहा है, इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे इसको डाउन कर देना है, ठीक है, बिल्कुल कम कर देना है, यहाँ पे एकदम माइनस करके यहाँ से इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करके आ जाएंगे हम लोग इधर अपने होम स्क्रीन पर। इधर आने के बाद अभी आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और इधर से एक सॉन्ग को ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इस वाले सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे सॉन्ग को ऐड करने के बाद फिर से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इधर विजुअलाइजर पे क्लिक करना है। विजुअलाइजर पे क्लिक करने के बाद अभी आपको राइट साइड में एक एरो का निशान मिल जाएगा, जो कि छोटा यहाँ पे तीर का रहेगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो विथ का और वीडियो हाइट का, ठीक है। तो आपको वीडियो विथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आपको यहाँ पे लिख देना है 1080, ठीक है। यहाँ पे रिमूव करने के बाद यहाँ पे 1080 लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर भी जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आपको यहाँ पे लिख देना है 1350, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप इसी तरह से सेम लिखेंगे तभी ये स्क्वायर साइज में सेव होगा, नहीं तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद अभी आपको इधर सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं यार इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।